साथियों, ये परीक्षा पे चर्चा पिछले बार और इस बार में अनुभव के आधार पर काफी बदलाव आए हैं। दुनिया के कई देशों से भी लोगों की मांग थी तो वो भी जुट रहे हैं। उसी प्रकार से भारत के भी सभी राज्यों से प्रतिनिधित्व हो, वहां के विद्यार्थियों से बात हो। इसमें सीनियर स्टूडेंट्स भी हैं, जूनियर स्टूडेंट्स भी हैं, और ये बात अधूरी रहती है अगर इसमें अभिभावक ना होते, पेरेंट्स ना होते, टीचर्स ना होते। और इसलिए कोशिश की गई है कि एक प्रकार से विद्यार्थी के जीवन में जो सीधे संपर्क में आते हैं उन सबसे संवाद करने का ये अवसर बने। अभी जो एक नृत्य प्रस्तुति हुई, मैं समझता हूं कि उसमें जो बातें बताई गई उसके बाद मेरे कोई भाषण की आवश्यकता नहीं। वो सारी बातें उसमें समाहित, अगर हम उसको ही आज का संदेश मान ले तो मेरे समेत यहां उपस्थित और देश में इस कार्यक्रम को देखने वाले हर किसी के लिए एक नया विश्वास पैदा करने वाला, नई आशा पैदा करने वाला वो एक नृत्य प्रस्तुति थी। मैं उन सबको बहुत बधाई देता हूं। और उस पूरे कार्यक्रम में रीना ने जो कमाल दिखाई है, दो हाथ नहीं, एक पैर नहीं, फिर भी जिंदगी का जज्बा कुछ और है। अभी हम देख रहे थे वीडियो पुराना, उसमें भी मैंने बताया था कि हाँ, आप भूल जाइए कि आप किसी समारोह में बैठे हैं, आप ऐसा ही मानिए आप अपने परिवार में बैठे हैं और परिवार में ही गप्पे गोष्ठी कर रहे हैं और अपना ही परिवार का कोई चीर परिचित चेहरा हमसे गप्पे मार रहा है। अगर ये हल्का फुल्का वातावरण रहेगा तो शायद मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे लिए ये कार्यक्रम किसी को उपदेश देने के लिए नहीं है, न मुझे अभिभावकों को कोई उपदेश देना है, न टीचर्स को कोई उपदेश देना है और न ही विद्यार्थियों को देना है। मैं यहां आपके बीच खुद को अपने जैसा, आपके जैसा, आपकी स्थिति मनस्थिति वाला कुछ पल में जीना चाहता हूं, जैसे आप जीते हैं। आइए शुरू करते हैं। कहां से शुरू करेंगे? माननीय, इस बार स्टूडेंट्स भी हैं, टीचर भी हैं और पेरेंट्स भी हैं, और वो भी देश से भी हैं, विदेश से भी हैं। सबसे पहले रूली दत्ता, जो कि कोलकाता से हैं, एक टीचर हैं और वो आपसे सवाल पूछना चाहती हैं। नमस्कार सर, माय नेम इज रूली दत्ता एंड आई टीच बायोलॉजी एट केंद्रीय विद्यालय IIM कोलकाता। माय क्वेश्चन टू यू सर इज, as a teacher, what do you tell parents to consider exams as make or break situation for their children's future? Thank you, sir.
एज ए टीचर हमें उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहिए जो ये समझते हैं कि एग्जाम से उनके बच्चों का भविष्य या तो बन सकता है या बिगड़ सकता है। मानिए इसी से मिलता जुलता ही एक और सवाल है जो हमारे बीच में इस वक्त बैठे हैं रोहित श्री, जो कि बेसिकली केरला से हैं लेकिन दिल्ली में रहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम रोहित श्री है, मैं केरला का रहने वाला हूँ और मैं अभी दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। महोदय, हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स का हमारे ऊपर कुछ ज्यादा ही उम्मीद रहती है, जिसके वजह से हमारे ऊपर बहुत प्रेशर भी रहता है। महोदय, मुझे लगता है आपका भी हाल कुछ हमारे जैसा है, देशवासियों को आपसे कुछ अधिक ही अपेक्षाएं हैं। प्रधानमंत्री जी, आप हमें बताइए, आप इस एक्सपेक्टेशंस के साथ कैसे डील करते हैं और हम इसके साथ कैसे डील करें? धन्यवाद। आप केरल से हैं लेकिन मुझसे भी ज्यादा अच्छी हिंदी बोल रहे हैं। आप में से बहुतों को जब 10वीं या 12वीं कक्षा में जाते होंगे या फाइनल एग्जाम होगा, किसी को दिन में 2-10 बार सुनना पड़ता है, समझ नहीं आता है। दोस्तों के साथ टेलीफोन पर बैठे रहो, चलो कंप्यूटर छोड़ो, फिर पढ़ाई करो, क्या कर रहे हो? ऐसे ही होता है ना, सच बताइए ना। दरअसल परीक्षा का महत्व तो है, इसका इनकार नहीं कर सकते। और मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ अरे परवाह मत करो यार, जो होगा तो होगा, देखा जाएगा, ऐसा तो नहीं कह सकता। लेकिन क्या ये परीक्षा जिंदगी की परीक्षा है क्या, कि उस क्लास की परीक्षा है? अगर एक बार मन में तय करते हैं कि ये एग्जाम 10वीं कक्षा की, ये एग्जाम 12वीं कक्षा का, ये मेरी जिंदगी का कसौटी नहीं है, अगर इतना से हम सोच लें तो हमारा जो भार है, बोझ है, वो भी कम हो जाएगा और शायद एक काम के लिए हमारा फोकस बढ़ जाएगा। अभी नहीं तो कभी नहीं, ये जो कुछ कहते हैं ना भाई, अब 10वीं में गया तो सब बेकार, जिंदगी पूरी, ऐसा कुछ नहीं। परीक्षा के गलियारे से ही निकली हुई जिंदगी होती, ऐसा नहीं है, उसके बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया होती है। बहुत पहले मैंने एक कविता पढ़ी थी, उसमें एक बढ़िया वाक्य था, उसमें लिखा था, पूरी कविता तो मुझे याद नहीं आता, कुछ खिलौने के टूटने से बचपन नहीं मरा कर होता है। मैं समझता हूं उसमें बहुत बड़ा संदेश है, कुछ खिलौने के टूटने से बचपन नहीं मरा करता है। एक आध एग्जाम में कुछ इधर उधर हो जाए तो जिंदगी ठहरने जाती है। लेकिन जीवन में हर पल कसौटी होना बहुत जरूरी है। कसौटी हमें कसती है, कसौटी से हम एक नई ऊर्जा प्राप्त करते हैं। हमारा जो तो भीतर की जो उत्तम से उत्तम विधा है वो प्रकट होने का अवसर होता है। अगर हम अपने आप को कसौटी के तराजू पर झोंकेंगे नहीं तो जिंदगी में ठहराव आ जाएगा, और ठहराव जिंदगी नहीं हो सकती। जिंदगी का मतलब ही होता है गति, जिंदगी का मतलब ही होता है सपने, जिंदगी का मतलब ही होता है जी जान से उसको अचीव करने के लिए लगे रहना, वरना उस जिंदगी क्या मतलब है? तो दूसरी बात है प्रेशर। कभी कभी तो
हम बालकों की मनस्थिति ऐसी होती है कि एक अवस्था में हम पहुंच जाते हैं कि माँ मम्मी पापा कुछ भी कहे तो मैं लगता है ये मेरा बिगाड़ रहे हैं, मैं जो कर रहा हूँ सही है, इनको कुछ समझ नहीं आती है, ऐसा ही होता है ना, ये कुछ समझते ही नहीं है, ऐसा होता है ना। पहले हम खास करके मैं स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि हम अपने माँ बाप जो कहते हैं उसको इमीडिएट रिएक्ट न करें, गौर से सुने, सुनते समय भी उनको लगना चाहिए कि आप अटेंटिव हैं, आपको अच्छा लग रहा है, बहुत चाव से सुन रहे हैं। एक आध बार पूछते अरे मम्मा ये समझ नहीं आया जरा ये क्या कह रहे, एक बार इतना कर लीजिए, शाम होते होते मम्मा कहेगी कि बेटा सुबह मैंने बहुत कह दिया। आपको मम्मा को समझाना नहीं पड़ेगा, वो आप समझ जाएंगे। इसलिए छोटी चीजें व्यवहार की होती है। अब फिर कभी जब मम्मा पापा अच्छे मूड में हो तो आप भी अपना दृष्टिकोण कि मैंने बहुत सोचा, आप लोग कहा था ना मंडे को तो बहुत अच्छी बात बताई थी, मैंने कोशिश भी की तो मेरे कम पड़ गया, मुझे बताइए ना कैसे करूं। आपकी एग्जाम पूरी, उनकी एग्जाम शुरू, घंटे भर उनको समझ दिया है ना क्या जवाब दे। इसका मतलब ये नहीं कि ना मैं आपके माँ बाप का बोलती बंद करना सिखाता हूं, लेकिन कभी कभी न सुनने से टकराव पैदा होता है।